एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे अपडेटेड स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो कि है एक्ने एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। सो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट होते रहते हैं, आपको व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन में पहले जैसे आप ग्लो नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं अपना कंप्लीट स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, कि मैं क्या सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस, क्या मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसा कॉन्टेंट मैं पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम Let's jump into the video first। यार सिर्फ स्किन का हेल्दी होना, उसके लिए एक अच्छा स्किन के रूटीन फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपको खुश भी रहना है। बिकॉज इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट के ज्यादा सोर्सेस नहीं है, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऐप है। सो यार इस लॉकडाउन में लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग सी हो गई है, बिकॉज एंटरटेनमेंट के सोर्सेस काफी ज्यादा लिमिटेड हो गए हैं। आजकल की जो मूवीज है वो भी कुछ खास नहीं आ रही है, और अगर आपने गलती से अगर न्यूज चला दी तो आपका मूड जरूर ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है आज की डेट में। सो इस नेगेटिविटी के दौर में मुझे एक ऐप के बारे में पता चला, इस ऐप का नाम है प्रतिलिपि ऐप। अब इस ऐप की खासियत यह है कि यहाँ पर अगर आपको शौक है लव स्टोरीज पढ़ने का, हॉरर स्टोरीज पढ़ने का, अगर आप शौक रखते हैं थ्रिलर या रोमांचक भरी कहानियां पढ़ने में, सो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। इस ऐप में आपको 12 रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा स्टोरीज हैं, जो कि फ्री या इंटरेस्टिंग स्टोरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो क्या कर रहे हो यार, अभी के अभी डाउनलोड करो प्रतिलिपि ऐप को और अपने एंटरटेनमेंट को रखो फुल। मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, तो सुबह उठते ही मैं भी आप लोगों की तरह ही गर्म पानी लेता हूँ, लेकिन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं गर्म पानी में 1 चम्मच हनी प्लस एप्पल साइडर विनेगर जो है डालता हूँ, या 20ml 30ml जो भी मुझे जिस हिसाब से मेरा टेस्ट है उस हिसाब से मैं डाल देता हूँ, और उसके बाद में उसको कंज्यूम करता हूँ सुबह सुबह। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, जो कि आपकी बॉडी में ऐसे एसिड को बनाता है जो कि आपके बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको डाइजेशन का इशू रहता है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। सो आप भी पीना स्टार्ट कीजिए, और ये आपका वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा। सो बहुत सारे जो लोग हैं मोटे हैं, वो सुबह सुबह एप्पल साइडर विनेगर पीना स्टार्ट करें, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, साथ साथ उनका वेट लॉस भी होगा। ठीक है, सो मैं किस तरह से बनाता हूँ देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सुबह उठते ही फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज रात का पूरा ऑयल आपके फेस के ऊपर होता है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा इजी है और जरूरी है। सो आपको करना क्या होता है, आपको एक अच्छा फेस वॉश यूज करना है जो कि आपकी स्किन टाइप को सूट करे। सो मैं यहाँ पर 2 फेस वॉशेज यूज कर रहा हूँ आज की डेट में। मैंने सेसलिक को थोड़े दिन के लिए साइड कर दिया है, और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नई चीजों के साथ में। सो मेरा जो अभी का रूटीन का जो बेस्ट फेस वॉश है जो मुझे लग रहा है, वो ये है चारकोल का फेस वॉश। ठीक है, कभी कभी जैसे मैं इसको ट्वाइस ए वीक यूज करता हूँ, और वैसे मैं एवरी ऑल्टरनेट डे मैं इसको यूज करता हूँ, ये है वाओ का विटामिन सी फेस वॉश। ये मुझे काफी अच्छा लगता है, बिकॉज इससे फोमिंग फेस वॉश और जो इसके ब्रिसल्स हैं वो जब आपके फेस पे जो फील होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम यूज करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा एवरी ऑल्टरनेट डे ऐसे चलता रहता है मेरा साइकिल की तरह। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं कि यार देखो सुबह का खाना ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, मल्टीविटामिन्स हो, जो कि आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखें, साथ साथ आपको फुल रखें। सो मैं खाता हूँ मेरी वही ओट्स वाली रेसिपी, अगर आप नहीं जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मेरी ब्रेकफास्ट डाइट का, क्लिक करो और देखना, बट अभी मत करना, अभी ये वीडियो देख लो। तो उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एक सप्लीमेंट लेता हूँ जो कि है बायोटिन। पहले मैं नहीं लेता था बायोटिन कभी, लेकिन अब मैंने लेना स्टार्ट किया। तो ये है मार्स बाय जीएससी का बायोटिन। इसके अंदर बायोटिन के साथ साथ जिंक भी है, आपका विटामिन सी भी है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है विटामिन ई और साथ ही साथ विटामिन ए। सो ये एक तरह का ऑलमोस्ट एक कंप्लीट मल्टीविटामिन है, इसमें आपको सारे काम काम के जो विटामिन है मिल जाते हैं, और इसमें जिंक मिल जाता है जो कि आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, और इसके अंदर विटामिन ई है, तो विटामिन ई भी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद में हम जो है शावर लेते हैं, और शावर के बाद में मैं यूज करता हूँ ये खादी का स्किन वाइटनिंग सोप। इस सोप की खासियत ये है कि अगर आपको स्किन के ऊपर किसी भी तरह का डार्क स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है, तो ये सोप काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और ये सोप 100% जो है नेचुरल है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है,
ये काफी ज्यादा 100% नेचुरल सोप है और इसका फ्रेग्रेंस आपको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और आपको इसको अच्छे से रखना है ताकि इसके ऊपर जो बैक्टीरियाज वगैरह ना लगे, ठीक है। तो इसका सभी के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, तो मैं कई बार इसको शावर के बाद में ट्वाइस ए वीक वगैरह मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना है शावर लेने के बाद, सो एक सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं काफ़ी टाइम से सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बात शेयर करी, लेकिन अभी सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज समर सीज़न में थोड़ा सा ज़रूरी है। अभी तो देखो लॉकडाउन है, लेकिन अगर फिर भी लॉकडाउन में काफ़ी सारे काम होते हैं जाने के लिए, तो मैं यूज़ करता हूँ ये 360 डिग्री ब्लॉक सनस्क्रीन। सो ये सनस्क्रीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो ये इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, दूसरा ये वाइट कास्ट नहीं देता, तीसरा ये SPF 50+ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म तक आपको सन एक्सपोजर देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। कभी कभी मैं एक डर्मा रोलर को भी यूज़ कर लेता हूँ अपनी स्किन के ऊपर। कैसे यूज़ करता हूँ मैं इसको, ट्वाइस ए वीक यूज़ कर लेता हूँ इसको, मैं पहले फ्रीजर में रख देता हूँ जब ये एकदम ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये मेरा है कि आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले ट्वाइस ए वीक, आप जैसे अपने इवनिंग टाइम में, अपने लंच के टाइम के आसपास आप इसको यूज़ कर लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट आपको देना होता है और आपको बस अपनी स्किन के ऊपर इसको रब करना है। जिन लोगों को बियर्ड की ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यार कि एक फेस स्क्रब भी बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन से डेड स्किन को हटाने के लिए। सो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है यहाँ पर चारकोल का फेस स्क्रब। आई लव चारकोल। सो चारकोल के इंग्रेडिएंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज एक तो ये काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और साथ ही साथ थोड़ा सा माइल्ड रहता है। मेरे अकॉर्डिंग चारकोल काफ़ी माइल्ड है, बाकी जैसे एप्रिकॉट के फेस स्क्रब आते हैं उनसे चारकोल काफ़ी ज़्यादा जो है माइल्ड होता है, ठीक है। तो फेस स्क्रब में ये वाला यूज़ करता हूँ ट्वाइस ए वीक। और एक जो है फेस मास्क है चारकोल का, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था और सेम ही कंपनी का है, मैं ब्रांड का नाम नहीं बता रहा हूँ, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो सेम कंपनी का ये यहाँ पे है पील ऑफ मास्क। तो पील ऑफ मास्क मैं वीक में एक बार ही यूज़ करता हूँ। सो ये तीनों जो चीज़ें हैं, फेस वॉश हो गया, फेस स्क्रब हो गया, ये पील ऑफ मास्क हो गया, ये मेरी स्किन से सारी डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़ को हटा देता है, जिसकी वजह से मेरी स्किन हेल्दी रहती है, ग्लोइंग रहती है। सर हमारा इवनिंग का जो रूटीन होता है वो आप लोग इतने होता है चाय पीना वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चाय पीना। सो मैं चाय स्किप नहीं करता हूँ ऑब्वियसली, पर कई बार मैं ग्रीन टी ज़रूर ले लेता हूँ। तो अगर आप ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और ये इसके अंदर कैफीन होता है, तो थोड़ा सा आपको जो है एकदम से अगर एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको जो फोकस नहीं बन पा रहा है आपका, तो आप ज़रूर ग्रीन टी ले लीजिए या आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या आपको काम करने का मन नहीं है, तो एक ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए और आपका मूड एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। सो रात की हम बात करते हैं, तो रात में मैं पहले ओमेगा 3 लेता था, लेकिन मैंने अब ओमेगा 3 को स्किप कर दिया है और मैंने इसको रिप्लेस किया है मार्स बाय GHC के अश्वगंधा से। अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बिकॉज आप सभी जानते हो कोरोना के माहौल में यार इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी, ठीक है। तो इम्यूनिटी अच्छी रखता है ये, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है ये, आपको ऐसे आप इसके यूज़ करने की वजह से आपका जो है नींद है वो भी बहुत ही अच्छी आती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा होता है मेल्स के लिए। सो आप भी अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो, अश्वगंधा को फीमेल भी यूज़ कर सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के। ऐसा नहीं है कि फीमेल यूज़ नहीं कर सकती, सब लोग यूज़ कर सकते हैं अश्वगंधा को, क्योंकि इट्स अ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। सो इसको आप दूध के साथ में, एक ग्लास दूध के साथ में, एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जो है ले सकते हैं। इसके अंदर 60 कैप्सूल्स आती हैं GHC वाले में। सो आप जैसा आपको पसंद हो आप वैसा ले सकते हो। सो ये था मेरा कंप्लीट स्किन केयर रूटीन जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे दे रहा है। सो आप फॉलो कर सकते हो और अपना कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन बना सकते हो, मुझसे शेयर भी कर सकते हो। अब मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सोची आप लोगों के लिए कि मैं एक व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, कंसल्टेशन आप मुझसे वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं लास्ट तक। सो अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और बहुत ही जल्दी एक व्हाट्सएप नंबर आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन